आप सभी को प्रणाम और बोले विभा में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं विभा रानी और आज आपके सामने फिर से एक नए विषय के साथ, लेकिन ये विषय मेरा दिया हुआ नहीं है। मनीषा कनौजिया बोले विभा के 110वें एपिसोड में लिखती हैं कि अगर आप हमें यह बता सकें कि एक्टिंग करते समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए तो हमारे स्टूडेंट्स को उससे बहुत फ़ायदा मिल सकता है। मनीषा ने मेरे मुंह की बात छीन ली, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए तो मैं हमेशा कुछ भी करने के लिए तैयार रहती हूँ और स्टूडेंट्स, मैं खुद ही एक स्टूडेंट के रूप में रहना पसंद करती हूँ और जो मैं जानती हूँ अगर उसे मेरे आज के स्टूडेंट्स जान सकें, समझ सकें, इसको सीख सकें, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। और मैंने जैसे आपसे कहा था कि आप हमें यह बताइए कि अगर आपके मन की बात मैं कुछ कह सकती हूँ तो मुझे आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें और मेरी कैपेसिटी में हुआ तो मैं उसे ज़रूर बताऊँ, उस पर ज़रूर बात करना पसंद करूँ। तो ये मेरा मनचाहा विषय है, मेरा मनचाहा फील्ड है, अपना चुना हुआ फील्ड है, थिएटर और एक्टिंग। और इसके बारे में जब से मनीषा की ये बात मैंने पढ़ी तब से मैं तैयारी करती आ रही थी और तैयारी करते हुए आज मैंने इस पर कुछ नोट्स तैयार किए हैं, कुछ कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं और जो मैं आज आपके सामने बताऊंगी। मैं आज केवल पॉइंट्स बताऊंगी और फिर धीरे धीरे इस बोले विभाग के तहत ही आपको एक एक पॉइंट पर मैं उसे इलैबोरेट करने की कोशिश करूंगी। आज मैं कुछ पॉइंट्स नोट करके लेके आई हूँ, वो आपके लिए इस तरीके से है कि क्या क्या ध्यान रखें अभिनय करते समय या एक्टिंग करते समय। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहूँगी कि आप एक्टिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आप मीडियम का ध्यान रखें। आप कहाँ एक्टिंग कर रहे हैं? आप नाटक में एक्टिंग कर रहे हैं, आप फिल्म के लिए एक्टिंग कर रहे हैं, टेलीविज़न के लिए एक्टिंग कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट के लिए एक्टिंग कर रहे हैं, किस फील्ड के लिए एक्टिंग कर रहे हैं? जिस फील्ड के लिए आप एक्टिंग करेंगे उस फील्ड की अलग अलग अपने अपनी डिमांड है, अपनी बॉडी लैंग्वेज है, अपने फेशियल एक्सप्रेशन है, अपने डायलॉग डिलीवरी है और हर का चरित्र समझने का अपना अपना तरीका है। मीडियम अलग है तो मीडियम के हिसाब से हमें एक्टिंग करनी होती है। दूसरी बात कि पहले तो आप ये सोचिए कि आप एक्टिंग करने आए हैं या जो रोल, जो कैरेक्टर आपको दिया गया है उसे जीने आए हैं या उसे जीवंत करने आए हैं। मान लीजिए कि आपको चाय बनाने वाले का रोल करना है। अब हंसिए मत आप लोग, चलिए पकौड़े बना लेते हैं। आजकल तो वैसे भी ये नेशनल करियर है और बरसात का समय है तो बरसात में तो चाय पकौड़े वैसे भी बहुत मज़ेदार लगते हैं। तो आपको चाय पकौड़े बनाने वाले का अभिनय अगर आपको करना है और करना है तो फिर आपको उसके दुकानदार का रोल करना है, जो चाय बनाता है, जो पकौड़े बनाता है और जो सबको देता है, तो आप उसको उसके हिसाब से आपको रोल करना होगा। आप साहब बन करके चाय बनाने वाले का रोल नहीं कर सकते हैं। स्क्रिप्ट को तो आप जिसे कहते हैं कि घोल करके, पीस करके, घोल करके उसे आप पी जाइए, एक एक शब्द उसे आप पी जाइए, समझ करके निगल जाइए और तब आपके भीतर से जो निकलेगा वो आपकी समझदारी के साथ निकलेगा। इसे घोल कर पी जाने का मतलब है कि स्क्रिप्ट को आप समझिए। लिखी हुई लाइन, जो स्क्रिप्ट में आपको लाइन दी गई हुई है, जो आपको डायलॉग दिए गए हैं, उस डायलॉग, वो डायलॉग तो आपको बोलना है लेकिन बोलने के लिए उस डायलॉग के पीछे क्या है और बिटवीन, रीड बिटवीन द लाइंस जिसे हम कहते हैं कि दो लाइनों के बीच में क्या लिखा हुआ है, क्या कहा जा रहा है, उसे समझने की आप कोशिश करिए। कैरेक्टर का कैरेक्टराइजेशन कीजिए। वो कैरेक्टर, जैसे मैंने आपसे यही कहा कि चाय बनाने वाला है, अब वो चाय बनाने वाला 60 साल का व्यक्ति है, चाय बनाने वाला 45 साल का व्यक्ति है, वो किसी सही में बहुत ही किसी निर्धन परिवार से आया है या मुसीबत का मारा दिन बदलने के फेर के कारण वो चाय बनाने लगा है, पकौड़े बेचने लगा है, इंजीनियर है और आज पकौड़े बेच रहा है। वैसे भी आज कोरोना का समय है, कोई क्या कर रहा है, आपको दिन रात अखबारों में और खबरों में आपको मिल रहा होगा कि कोई जूते सिल रहा है तो कोई कुछ और काम कर रहा है। तो आपको करने वाला तो वही है, पकौड़े बनाने वाला तो वही है, लेकिन उसकी परिस्थितियां अलग अलग है तो उसके हिसाब से आपको वो, उसका कैरेक्टराइजेशन आपको करना होगा।
साथ ही उस व्यक्ति को आपको एक कल्पना में लेना होगा कि वह व्यक्ति कैसा है, उसकी चाल ढाल कैसी है, उसका उसके बोलने का तरीका कैसा है, उसका अपना फिजिक क्या है, उसका चेहरा क्या है। इन तमाम बातों की आप अपनी एक स्टडी क्या आपको करनी होगी, एक खाका उसका खींचना होगा। और मैं जो हमेशा जो कहती हूँ ना कि जो ने आपको पहले भी कहा कि एक्टिंग मत करिए, जीवन को जिए। आप चाय बनाने वाले का काम कर रहे हैं तो चाय आप खुद समझिए कि मैं सुभाष हूँ या मैं विवेक हूँ और जो आज चाय बनाने का काम कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी नौकरी छूट गई है और मुझे और कोई काम नहीं मिल रहा है तो मैं ये काम कर रहा हूँ। अब पैशनेट कितने हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। मेरे पास बच्चे आते हैं, मुझे सब सीखना है मैडम, और जब हम सिखाने लगते हैं तो वो भाग जाते हैं, मैडम बहुत मेहनत करवाती है, इतनी मेहनत नहीं करनी होगी। तो जब तक आप पैशनेट नहीं रहेंगे, पैशन रहे नहीं रहेगा, नाटक या एक्टिंग वही कर सकता है जो जिसको हम कहते हैं कि जुनूनी या पागल। अगर आप उसके लिए पागल हैं तभी आप कर सकते हैं। तो वो जुनून हो आपके भीतर, वो होना चाहिए। वो कोई दवा नहीं है कि कोई आपको उसको घोल करके पिला देगा। कैरेक्टर की साइकोलॉजी को समझिए। हम आमतौर पर हम बस आकर के सोचते हैं कि बस यूं एक्टिंग कर दिया, और जैसे एक्टिंग मतलब वही क्या बात है, कोई एक नाटक कर दे, डायलॉग बोल देना है, क्या रोना है तो हाँ रोने लगे, हंसना है तो हा 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 हंसने लगे, यही हंसने लगे। नहीं, आपको उसको समझना होगा, कैरेक्टर की साइकोलॉजी को, कि अगर वो कैरेक्टर की साइकोलॉजी क्या कह रही है उस समय, और उसके हिसाब से आप उसको उसके चरित्र को समझेंगे, और फिर जो है आप ऐसे हंसेंगे ऐसे हंसेंगे ऐसे हंसेंगे ऐसे हंसेंगे ऐसे हंसेंगे ऐसे हंसेंगे ऐसे हंसेंगे। कितने तरीके से आप हंस सकते हैं, कहने को कि हंसी है, लेकिन इतने तरीके से हंस सकते हैं आप। उसके बाद डायलॉग पर ध्यान दीजिए, संवाद समझ करके आप बोलेंगे तो एक्टिंग करने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे मैं आपको कहती हूँ, मैं हमेशा इस बात का उदाहरण देती हूँ, चाय और आपके साथ, एक है, मैंने ऐसे एक स्टेटमेंट दे दिया, चाय और आपके साथ, चाय और आपके साथ, चाय और आपके साथ, चाय और आपके साथ, चाय और आपके साथ। अब देखिए, ये इतने तरह से मैंने बोले, उतने तरीके से मेरे चेहरे के भाव बदले, और भाव बदले तो आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। आपके बोलने के साथ या आप उस लाइन को समझ करके बोल रहे हैं, उसका कैरेक्टर क्या है, उसकी साइकोलॉजी क्या है, कहानी की पृष्ठभूमि क्या है, इन सब को समझ करके और तब आप बोल रहे हैं, तो आपको बोलने में ही आपके फेशियल एक्सप्रेशंस आ जाते हैं। पढ़िए पढ़िए। आमतौर पर हमारे पास बच्चे आते हैं और जब हम उनसे पूछते हैं क्या पढ़ा है क्या नहीं, तो कुछ नहीं। नाटक देखा है? नहीं। थिएटर करना है? हाँ। नाटक एक्टिंग करनी है? हाँ। किसकी एक्टिंग? तो किसके जैसा बनना चाहते हो? तो जो हमारे जो सबसे सफलतम सितारे हैं उनके जैसा वो बनना चाहते हैं। उन्हें तो हमारे आर्टिस्ट और जो फिल्म लाइन के भी आर्टिस्ट हैं उनको वो पसंद नहीं आते, कहते बोमन ईरानी क्या एक्टिंग करता है, ये नसीर साहब क्या एक्टिंग करते हैं, एक्टिंग तो वो लोग करते हैं। तो पहले तो उसके लिए ये समझिए कि आप कितना आप पढ़ रहे हैं। हम उनसे पूछते हैं क्या कुछ पढ़ा है? नहीं मैडम। नाटक पढ़े हो? नहीं। कहानी पढ़े हो? नहीं। अखबार पढ़ते हो? नहीं। तो करते क्या हो? तो जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक आप समझोगे कैसे? तो आप पढ़ना दो, एक तो वर्ड्स पढ़ना जो आपको जहाँ भी मिले, किताब में मिले, नेट में मिले, अखबार में मिले, जहाँ भी मिले, और दूसरा जीवन को पढ़ना। जो भी व्यक्ति आपको दिख रहा है उसको पढ़िए, उसके जीवन को, उसके चरित्र को पढ़िए, और इससे आपको बहुत एक्टिंग करने में मदद मिलेगी। जिस जगह को बिलोंग करते हैं, मैं हमेशा इस बात से कहती हूँ कि आप अगर यूपी बिहार के हैं, आप राजस्थान के हैं, हरियाणा के हैं, आप तमिलनाडु के हैं, जहाँ के भी हैं, वहाँ के कल्चर के न्यूएंसेस को लेकर के आइए, वहाँ के खान पान, वहाँ के रीति रिवाज, वहाँ
वहाँ के किस्से, कहानी, वहाँ की सारी चीज़ें वो आपके पास होनी चाहिए। ये एक खजाना है, एक खजाने के रूप में, एक ट्रेजर के रूप में आपके बैक ऑफ माइंड में ये रहना चाहिए और ये आपको बहुत सपोर्ट करता है किसी भी समय में। थोड़ा नृत्य, थोड़ा संगीत, थोड़ा गायन, थोड़ा वादन, ये सब जानिए। हल्का फुल्का, ज़्यादा नहीं तो हल्का फुल्का आप उसे जानिए, क्योंकि आप जानेंगे तो आप जब अभिनय करेंगे वो अभिनय में उसमें आप को आप जान डाल देंगे। मान लीजिए आप एक कोई चरित्र कर रहे हैं और एक ऐसे अलमस्त जो है बहुत, एक ऐसा चरित्र है जो है बहुत शार्प, लेकिन ऊपर से वो दिखाता रहता है कि बड़ा वो बेफिक्र सा आदमी है। हर फिक्र को धुए में उड़ाता चला गया। ऐसा है ना कि हम नहीं जानते हैं उसको, लेकिन आप तो जानते हैं ना हरीश बाबू, मैं सारी चीजें पढ़ करके आया हूं। तो आप ऐसे लगेगा कि अरे ये आदमी तो कुछ भी नहीं है, लेकिन वो आदमी अपने भीतर बहुत सारी चीजें लेकर के आया है। तो आपको अगर हल्का गुनगुनाना है, हल्का डांस करना है, हल्का कुछ बजाना है, एक तो ये हल्की फुल्की चीज़ें आपको आनी चाहिए। मैं आपको निष्णात होने, निष्णात है तो बहुत अच्छी बात है, एक्सपर्ट है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन शिखर सेन साहब इसके बारे में बहुत कहते हैं कि सुर में, कलाकार का सुर में रहना बहुत ज़रूरी है। तो उस सुर के लिए आप जहाँ भी आप गीत गुनगुनाइए, आप कविता गुनगुनाइए, कहानी पढ़िए, बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए नियमित अभ्यास कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, नहीं तो बॉडी आपकी खुलेगी नहीं। ऐसे करके आप एक्टिंग नहीं कर सकते हैं, बॉडी आपकी खुली रहनी चाहिए और बॉडी खुली रहने के लिए आपका जो है वो फ्लेक्सिबल रहना आपका ज़रूरी है। वॉइस मॉड्यूलेशन तो अपनी जगह है, क्योंकि वॉइस मॉड्यूलेशन में आप जितने तरह से आप काम कर सकते हैं उतने तरह से मैं आपके साथ आना चाहती हूँ, ये इतनी तरह से जो है आप उसको बोल सकते हैं और आपका आपकी आवाज़ में उतनी तरह से परिवर्तन आ सकते हैं। लेकिन वॉइस मॉड्यूलेशन पर हम और आपसे अलग से हम बात करेंगे, लेकिन इसके पहले हम आपसे ये बात करेंगे कि आप अपनी भाषा, जा आप एक एक स्टैंडर्ड, अगर आप जो भी आपका आपका मीडियम ऑफ वर्क है, लैंग्वेज है आपका जो मेन लैंग्वेज, मान लीजिए कि आप हिंदी में काम कर रहे हैं, तो हिंदी आपकी एक जो मानक हिंदी है, जो एक स्टैंडर्ड हिंदी है, वो आपके लोकल फ्लेवर से अलग, लोकल फ्लेवर कुछ भी आपका हो सकता है, कहीं का भी हो सकता है, लेकिन उससे अलग आपकी एक स्टैंडर्ड वो भाषा जो है वो भाषा आपकी हिंदी, स्टैंडर्ड हिंदी आपकी होनी चाहिए। तो उस पर आप ज़रूर ध्यान दीजिए, क्योंकि कई लोग उस पर बिल्कुल ही ध्यान नहीं देते हैं और उसकी वजह से ये होता है कि जब वो मुँह खोलते हैं तो सारी चीज़ें जो है वो निकल जाती हैं। भाषाओं पर ध्यान दीजिए, जितनी भाषा आप जहाँ रहते हैं, मान लीजिए कि अभी आप मुंबई में हैं तो थोड़ी बहुत कोशिश करें कि मराठी सीखें, थोड़ी बहुत गुजराती सीख लें, आप बंगाल में हैं तो थोड़ी बहुत बंगाली सीख लें, ये सब सीखिए, लेकिन साथ साथ एक भाषा जो है आपकी एक मेन, एक मुख्य भाषा जिसमें आप एक्टिंग कर रहे हैं उस पर आपकी पूरी पकड़ होनी चाहिए, उसका प्रोनंसिएशन पूरा होना, सही होना चाहिए, डिक्शन उसका पूरा होना चाहिए, आपकी रीजनैलिटी आपके भाषा पर अटैक करती रहेगी, सुपर इम्पोज करती रहेगी, लेकिन आप उस पर उसके लिए आप अलर्ट रहें। जहाँ कहीं भी जाएं खुद को क्लीन स्लेट बना करके चलें, क्योंकि मैं हमेशा ये मान करके चलती हूँ और कहती हूँ सभी को कि अगर आप एक थैला पहले से ही उसमें सामान भर करके लेके जाएंगे तो दूसरी जगह से आप क्या लेकर के आएंगे, वो पहले से ही भरा है। तो पहले से आप अगर कहेंगे कि मुझे तो सब कुछ पता है तो भैया सीखने की ज़रूरत ही क्या है। इसलिए जो आपके आपने सीखा हुआ है उसे खोल, उसे खाली करके रख दीजिए, तो अब से आपका घर, आपके दिमाग का घर भरा हुआ रहेगा। और बिल्कुल खाली करके जाइए, स्लेट को आप पोंछ करके जाइए, ताकि हर बार उसमें आप नई नई इबारत लिख सकें, हर बार उस थैले में नया नया सामान रख सकें, और उस तरह से आपके ज्ञान का, आपके अनुभव का इजाफा जो है, आपके अनुभव का भंडार जो है वो बढ़ता रहेगा।
स्टूडेंटशिप हमेशा बनाए रखें। ये मत सोचिए कि मैं बहुत जानता हूँ या मैं बहुत जानती हूँ। आप जानते हैं, हमें आपके जानने पे कहीं कोई शक नहीं है, लेकिन सीखने की ललक और सीखने की जो चाहत होती है, जिसे स्टूडेंटशिप हम कहते हैं, उसको बनाए रखिए। वो आपको हमेशा आपको बकअप करती रहेगी, प्रोत्साहित करती रहेगी। और इमोशंस, रोना, हंसना, इन सब भूमिका के मुताबिक जो है ना, ये सब हैं, चलते रहते हैं। लेकिन इन सब के लिए मैं आपसे ये कहूँगी कि थिएटर या एक्टिंग एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, और ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो है, आप किसी थिएटर के पास, आप कहीं, आप जिसको कहते हैं ना कि यथार्थ में जब आप अनुभव सीखने जाएंगे, तब आपको उसका ज़्यादा अनुभव उसका होगा। मैं आपको, मैंने यहाँ आज आपको कुछ 20-25 टिप्स दिए हैं, उन टिप्स को आप देखें, ध्यान में रखें, और मैं आपको बीच बीच में धीरे धीरे आपको मैं बताती जाऊँगी। लेकिन आज देखिए बहुत समय हो गया, 15.5 मिनट हो गए। मैं नहीं चाहती थी कि इतना लंबा मैं बोलूँ, और लेकिन मैं एक एक पॉइंट्स पर आपको धीरे धीरे मैं इस पर बात करती रहूँगी। तो चलिए आज मैं यहाँ पर ध्यान दे मैं आप यहाँ पर मैं रोकती हूँ। लेकिन इसके बीच अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और जिसे भी चाहें उसे आप पहुंचा सकते हैं। और साथ साथ चलते चलते इस कोरोना टाइम में अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपका स्वस्थ रहना और मस्त रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, शुभ खैर।